बोलो महान चुंबन योगी भगवान श्री इमरान हाशमी की जय। बोलो बालक बोलो, व्हाट्स द कास्ट? बाबा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं बाबा जी मुझे बताओ। बालक तुम्हारी कुंडली में भगवान श्री अदनान सामी का धरती का बोझ योग है और इसके साथ साथ तुम्हारी कुंडली में सारे के सारे कपूर खानदान ने प्रवेश कर लिया है जिनका निकलना बहुत ही मुश्किल है। तुम भी उन्हीं की तरह खाने और विशेष करके पीने के मामले में दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करते हो बालक, और कुछ समय बाद तुम कुछ ऐसे लगने लगते हो जैसे कि ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ कोई गुब्बारा अचानक धरती पे गिर पड़ा हो और बस फटने ही वाला हो। बाबा जी मुझे बचा लो, मैं फटना नहीं चाहता। सबसे पहले बालक तुम अपने गले में माता श्री करीना का फिगर रक्षा कवच धारण करो। ये फिगर रक्षा कवच चीज और बटर जैसे बड़े शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा बालक। प्रभु श्री अदनान सामी ने भी यही कवच पहना था बालक, और उसके बाद उनके शरीर में से 9-10 लोग बाहर निकल आए और वो पतले हो गए। तो बोलो शून्य फिगर धारिणी सैफ वश करनी माता श्री करीना की जय। नेक्स्ट। जय रामू जय गोपाल जय वर्मा। दुष्ट जंगल भयंकर नींबू विचित्र कथा इसका कर्मा, क्या कष्ट है बताओ बालक। मेरे दफ्तर में मेरे बॉस के साथ मेरा झगड़ा हो गया, कोई भी मेरे से ढंग से बात नहीं करता, सब मुझसे दूर दूर जा रहे हैं बाबा, दूर दूर, मैं क्या करूं बालक। जी बाबा। हाथ दिखाओ। तुम्हारी हस्त रेखाओं में विवेक दोष है बालक। बाबा इतना भयानक योग। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बालक, तुम्हें बस एक मंत्र का जाप करना है। तुम नित प्रतिदिन जय सलमान जय सलमान, और उसके साथ साथ एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, इस मंत्र का जाप करो। बस जाप करते जाओ बालक, जाप करते जाओ, और उसके पश्चात तुम्हें जितना झगड़ा करना है करो, तुम्हें अपने वाहन के नीचे जितने लोगों को कुचलना है उनको कुचलो, तुमको जितने भी अनैतिक शिकार करने हैं करो बालक करो, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा ही अप्सराएं मंडराएंगी और बंधुओं की कमी तुम्हें कभी भी नहीं सताएगी बालक।